हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2004 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट पढ़ो। दे आर सेइंग इन अ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आईपी हेडर। ऑप्शन ए है फ्रेगमेंट ऑफसेट। आपको आईपी हेडर याद होना चाहिए, और अगर आपको आईपी हेडर याद है तो आपको पता होगा फ्रेगमेंट ऑफसेट आईपी हेडर में होता है। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस भी आईपी हेडर में होते हैं। ऑप्शन डी बचा जो कि हमारा आंसर है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में नहीं होता। देखो, पोर्ट नंबर्स एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आते हैं, बट नेटवर्क लेयर का काम है सिर्फ एक मशीन को आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर ये मशीन इस मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो नेटवर्क लेयर का काम होगा बस इन दोनों मशीन्स को आइडेंटिफाई करना यूजिंग आईपी एड्रेसेस। बट इन मशीन्स में कौन सा प्रोसेस किस स्पेसिफिक प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, यानी कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन, वो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ये फील्ड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ओके, और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है TCP प्रोटोकॉल, यानी कि ये TCP हेडर में प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखो फ्रेगमेंटेशन, ये नेटवर्क लेयर का काम है, और लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये भी नेटवर्क लेयर का काम है। नेटवर्क लेयर पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी हेडर में ये तीनों प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स या सर्विस पॉइंट एड्रेसेस, ये TCP हेडर में होते हैं, आईपी हेडर में नहीं होते, यानी कि आंसर ऑप्शन डी है। ओके।